अपनी ही पार्टी के खिलाफ बयानबाजी वरुण गांधी को आखिरकार महंगा पड़ ही गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत और आपके साथ मैं हूं गायत्री। बीजेपी ने पीलीभीत के मौजूदा सांसद और मेनका गांधी के सुपुत्र वरुण गांधी का टिकट काट दिया है। वरुण का पत्ता साफ होने की अटकलें पहले से ही लगाई जा रही थी। कहा तो ये भी जा रहा था कि वरुण के साथ उनकी मां का पत्ता भी साफ हो सकता है। हालांकि बीजेपी ने मेनका गांधी को सुल्तानपुर से टिकट दे दिया है। बीजेपी ने वरुण गांधी की जगह जितिन प्रसाद को पीलीभीत से टिकट दिया है। वरुण का पत्ता साफ होते ही कांग्रेस ने चुटकी लेना शुरू कर दी है। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि वरुण को कांग्रेस ज्वाइन कर लेनी चाहिए। टिकट कटने के बाद वरुण गांधी ने अभी तक ना तो कोई प्रतिक्रिया दी है और ना ही आगे की रणनीति का खुलासा किया है। वरुण के समाजवादी पार्टी में जाने के भी कयास लगाए जा रहे हैं। बीजेपी ने पीलीभीत लोकसभा सीट से जितिन प्रसाद को मैदान में उतारा है। जितिन प्रसाद शाहजहांपुरा और धौरहरा सीट से सांसद रह चुके हैं। टिकट की घोषणा होने के बाद जितिन प्रसाद होली मनाने पीलीभीत पहुंचे। होली मिलन के दौरान जितिन प्रसाद ने कहा कि पीलीभीत से बहुत से लोगों ने उम्मीदवारी की है, हम सभी पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता हैं। ये बीजेपी ही है जहां फैसले माने और समझे जाते हैं। वरुण का नाम लिए बगैर जितिन ने कहा कि वे बीजेपी के सच्चे सिपाही हैं। हालांकि कहा यह भी जा रहा है कि खुद का टिकट काटकर जितिन प्रसाद को टिकट दिए जाने से वरुण नाराज है। कहा जा रहा है कि वरुण गांधी ने कुछ दिन पहले ही नॉमिनेशन फॉर्म के 4 सेट मंगवा लिए थे, लेकिन अब वे नाराज है और कार्यकर्ताओं को इशारा कर चुके हैं कि चुनाव नहीं लड़ेंगे। दरअसल वरुण गांधी का अपनी ही पार्टी और नेताओं के खिलाफ बयानबाजी बीजेपी को नागवार गुजर रहा था। पिछले साल योगी आदित्यनाथ पर कटाक्ष करते हुए वरुण गांधी ने तो लोगों को ये तक सलाह दे डाली थी कि वे आसपास के साधुओं को परेशान ना करें, क्योंकि कोई नहीं जानता कि महाराज जी कब मुख्यमंत्री बन जाएंगे। नरेंद्र मोदी के राष्ट्रीय राजनीति में आने से पहले वरुण गांधी को भाजपा का राष्ट्रीय महासचिव और पश्चिम बंगाल का प्रभारी बनाया गया था। हालांकि उन्होंने संगठनात्मक कार्यों में कभी भी दिलचस्पी नहीं दिखाई। बंगाल के सह प्रभारी सिद्धार्थनाथ सिंह वरुण से ज्यादा काम संभालते थे। राहुल गांधी और अखिलेश यादव के खिलाफ लगातार हमले ने 2014 का टिकट दिलवा दिया था, लेकिन जल्द ही उनके और भाजपा के बीच समस्याएं पैदा होने लगी। पार्टी में बढ़ रही खटास की वजह से ही बीजेपी ने वरुण को अपने निर्वाचन क्षेत्र तक ही सीमित कर दिया था। वरुण गांधी ने गरीबों, मुसलमानों और पिछड़ी जातियों के लिए MPLAD निधि से घर बनाए। गरीबों के लिए बनाए जाने वाले घरों में उन्होंने अपना निजी पैसा तक लगा दिया था। इन घरों को बांटने के दौरान ही एक समारोह में वरुण ने कहा था कि मैं एक आशावादी हूं और उन चीजों को करने में विश्वास करता हूं जो लोगों की मदद कर सकती है। जनता पुराने राजनीतिक तरीकों से तंग आ चुकी है। आज के युवा केवल बयानबाजी की बजाय परिणामों पर विश्वास करते हैं। वरुण के इस बयान को उस समय सहयोगियों पर कटाक्ष के रूप में देखा गया था। यहीं से वरुण और पार्टी के बीच दूरियां बढ़नी शुरू हो गई थी। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान 2021 में रात में कर्फ्यू लगाए जाने के योगी आदित्यनाथ सहित दूसरे राज्य की सरकारों के फैसले पर वरुण ने गंभीर सवाल उठाए थे। अपनी ही पार्टी पर हमला करते हुए वरुण ने ये कह दिया था कि दिन में रैलियों के लिए लाखों लोगों को इकट्ठा करने के बाद रात में कर्फ्यू लगाना आम आदमी के साथ खिलवाड़ है। ऐसे कई मौके आए जब वरुण को अपनी ही पार्टी और उसके नेताओं पर सीधा हमला करते हुए देखा गया। कई बार बीजेपी को इसकी वजह से शर्मिंदगी भी उठानी पड़ी थी। कृषि कानूनों पर भी तो वे अपनी सरकार के खिलाफ मुखर हो गए थे। बेरोजगारी समेत कई मुद्दों पर वरुण ने मोदी सरकार को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। यही नहीं, केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी के मामले में उन्होंने सोशल मीडिया पर अभियान छेड़ दिया था। प्रदर्शनकारी किसानों की भीड़ में कार घुसने के कारण लखीमपुर खीरी में 4 किसानों सहित 8 लोगों की जान जाने के बाद वरुण गांधी ने सोशल मीडिया पर मामले में जवाबदेही तय करने और दोषियों को सजा देने की मांग उठा दी थी, जबकि बीजेपी टेनी का बचाव कर रही थी। दिलचस्प बात यह है कि उसी साल अक्टूबर में वरुण गांधी के साथ साथ उनकी मां मेनका गांधी को भी बीजेपी कार्य समिति से हटा दिया गया था। पिछले साल सितंबर में वरुण गांधी ने अमेठी में संजय गांधी अस्पताल का लाइसेंस रद्द करने को लेकर योगी सरकार पर हमला किया और इसे एक नाम के खिलाफ नाराजगी करार कर दिया। इस मामले से जुड़ी और अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, तब तक आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।